हेलो गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हैं आप लोग। सो कल की प्रेडिक्शन का तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कहना चाहिए कि आपका कोई भी जवाब नहीं, क्योंकि आपने देखा था कि मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था एकदम वैसा कहीं वैसा देखने को मिला। हालांकि रिकॉर्डों के खिलाफ जाकर के मैंने वीडियो बनाया था और रिकॉर्ड क्या बता रहे हैं कि पिछले 2-3 मैच से देखने को मिल रहा था कि टॉस जीत करके कैप्टन जो होता था वो गेंदबाजी ले रहा था, क्योंकि पहले बैटिंग वाले ढह जा रहे थे और दूसरे बैटिंग में जब कोई करने आ रहा था तो 2-3-4 गिर जाता और आसानी से वो चेस कर ले रहे थे। लेकिन इसके बावजूद मैंने रिकॉर्ड के खिलाफ जाकर के क्या बोला कि पहले बैटिंग जो करेगा वही यहां पे फेवरेट और वही जीतने वाला, और बल्कि ये आपको देखने को मिलेगा कि जो भी पहले बैटिंग करेगा 5-6 विकेट गिरेंगे और दूसरे इनिंग में टीम जो भी खेलेगी ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन अफ्रीका ने टॉस जीत करके गेंदबाजी ले ली और मैंने क्या बोला, इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया और देखो कुल्हाड़ी मारा, और मैंने न्यूजीलैंड के फेवर में यानी पहले बैटिंग करने वाले के फेवर में 7-4 का भी न्यूजीलैंड का टीम बना के दिखाया था वीडियो में, और आपने देखा वैसा ही हुआ। मैंने बोला था ताहू आर्मेयर में से कोई एक ही चलेगा और बड़ा करेगा, आपने देखा एक ही चली आर्मेयर और 3 विकेट लेके गई। और कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने बताया था कि आप एमेलिया कर के साथ आप लगा सकते हो, अगर आपको रिस्क लेना होगा तो सोफी डिवाइन के पास पहुंच जाना, और अगर आपको ट्रम्प खेलना होगा तो ई कार्सन या फिर आर्मेयर के साथ किसी न किसी एक के साथ जोड़ा बना देना आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर न्यूजीलैंड की टीम से बनाना चाहते हो। तो देखा जितनी चीजें मैंने बताई थी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मैंने बोला था कि अगर सेकंड बैटिंग अफ्रीका करेगा लॉरा वॉलवॉट और एम कैप यही दो बल्लेबाज हैं जिनके अंदर दम है कि वो चेस कर सकती हैं, वरना इनके अलावा किसी खिलाड़ी में दम है ही नहीं कि वो चलेगी। ए बॉस के पीछे सब भाग रहे थे, मैंने मना किया था कि मत भागो भाई, हो गया एक मैच में करना था कर चुकी है। खैर वो हो गई पुरानी बातें, लेकिन जितनी भी प्रेडिक्शन मैंने दी थी सब के सब एब्सोल्युटली 95% राइट हुई थी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जो भी चैनल में पहली बार आया होगा सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, क्योंकि अपने गौर सिंह के क्रिकेट पर ना सिर्फ लर्निंग दी जाती है और हवा में तुक्काबाजी और सिर्फ डेटा दिखाना कि 5 मैच में कितना किया, 4 मैच में कितना किया है, वो सब के आधार पर ग्रैंड लीग आपने जीतोगे। टीम की जो कॉम्बिनेशन होती है कैसे बनाना है वो उसी से आप ग्रैंड लीग जीत पाओगे। सो अगर आप भी जीतना चाहते हो मिनी जीएल स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के भी एकदम करीब आना चाहते हो, जो कि हमारे लोग एकदम करीब हैं यार, 10-10 प्लेयर हर मैच में, पिछले मैच में फिर से देखो 9 प्लेयर 10 प्लेयर डी टी में मारे हैं, सबके मेरे छोड़ो सबके हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपके प्लेयर भी बढ़े रैंकिंग उतरे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का जो मुकाबला है वो इंडिया ए और यूएई का है। देखा जाए तो लोग जो यहाँ पे टीम बना करके जाने वाले हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 9-2 की बनाने वाले हैं, लेकिन मैं मना करूंगा 9-2 मत बनाना। यहाँ सही रेशियो जो होगा वो 7-4 और 8-3 का होगा। 8-3 अ बिट रिस्की बट 7-4 मुझे लगता है एकदम बेस्ट होगा, 8-3 का भी बना के जाएंगे। तो ऐसा करता हूं मैं कि टीम की कॉम्बिनेशन मैं डायरेक्ट आप लोगों को बना करके दिखा देता हूं कि 7-4 की टीम बनाएंगे तो क्या होगा, 8-3 की बनाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि देखो इनका दिखाऊं उनका दिखाऊं ये सब कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने मुझे पता है आपने देख रखा होगा कहीं ना कहीं। तो ऐसा करते हैं सीधा टीम की कॉम्बिनेशन बना करके देख लेते गाइस, ठीक है। अब देखो आज का जो मैच होने वाला है जहां पे होने वाला है ये जरा चेक कर लो कि क्या है। ये देखो मैंने चीज़ें यहीं पर लिख दी है, ये जो चीज़ें मैंने लिख दी है ध्यान देना, लास्ट 4 मैच में जो विकेट गिरे हैं 50 विकेट गिरे हैं, राइट 50 विकेट। अब पेसर ने 30 विकेट लिया है, स्पिनर ने 20 विकेट, पेसर थोड़ा सा हावी है, स्पिनर थोड़ा सा कम है। ऐसे में आप ये मत सोच लेना कि इंडिया के स्पिनर को क्या करते हैं रिजेक्ट करके चल जाए, राहुल चेयर को उन लोगों ने 1 ओवर फेंकवाया था और अभिषेक शर्मा तिलक वर्मा 3-3 ओवर। मतलब इंडिया में इतना कंपटीशन चल रहा है ना भाई कि जिसको जो हाथ मिल रहा है ना और भी हाथ चाह रहा है कि हड़प ले और भी ज़्यादा ले ले, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि क्या ही कह सकते हैं। अब राहुल चेयर जो मेन गेंदबाज है 1 ओवर मरा गया, उन लोगों को हटा दिया और राहुल खुद अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा उन लोगों ने फेंकना चालू किया। खैर राहुल चेयर को अंडरस्टिमेट मत करना इस मैच में, ठीक है। आगे चल करके कहानी बताते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे पेसर की तुलना में स्पिनर ने थोड़ा सा कम विकेट दिया, लेकिन हाँ पेसर स्पिनर दोनों विकेट यहाँ पे लेने वाले हैं। पहले बैटिंग सेकंड बैटिंग फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों यहाँ पे जो दो मैच जीत चुके हैं और एवरेज स्कोर देखो तो 168 है, राइट एवरेज स्कोर 168 है। लेकिन ध्यान दो इंडिया ने यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट जब किया था तो 183 मारा था इंडिया के अगेंस्ट, और ये जो 183 है ये 183 के साथ क्या चीज़ जुड़ा हुआ है, इंडिया की हिस्ट्री इतिहास में कुछ जुड़ा हुआ है क्या 183? अगर आपको पता है प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। लेकिन इंडिया बैटिंग फर्स्ट किया था पाकिस्तान के खिलाफ तो 183 मारा था, लेकिन यहाँ पे जब इंडिया पहले बैटिंग करते हुए यूएई के खिलाफ खेलेगा तो मुझे लगता है कि वो 200 से ज़्यादा मार सकती है। तो पहला सिनेरियो जो हम बनाएंगे टीम की कॉम्बिनेशन वो यही सोच के बनाएंगे कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो 200 से भी ज़्यादा 200 या 200 से ज़्यादा यहाँ पर मार देगी। अब ऐसे में यूएई का क्या होगा, यूएई क्या करेगी, यूएई कितना रन बनाएगी, यूएई उसका जो जवाब देगी वो कैसे देगी, क्या वो ढह जाएगी ताश के पत्तों की तरह, या फिर वो ढहेगी भी नहीं और रन बनाएगी भी नहीं। ढहेगी भी नहीं मतलब क्या है, विकेट भी ज़्यादा नहीं गिरेंगे और वो चेज भी नहीं कर पाएगी, 135-40-45 तक रह जाएगी। पहला तो ये हो गया, और दूसरा ये हो जाएगा कि 135-40 तक जाते जाते यूएई क्या हो जाएगा, ताश के पत्तों की तरह, 130-40 तक जाते जाते ताश के पत्तों की तरह यूएई क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। दो चीज़ होगा, बात समझ में आ गई, दो तरीके से हम क्या करेंगे टीम के कॉम्बिनेशन
छक्के बनाएंगे, और ध्यान रखते हुए कि इंडिया बैटिंग फर्स्ट करते हुए 200 मारेगी। अब इंडिया बैटिंग फर्स्ट करते हुए जब 200 मारेगी, मतलब हम बैटिंग सेक्शन में आएंगे और थोड़ा सा नज़र घुमाएंगे इनकी तरफ। मुझे पता है आप नज़र उनकी तरफ रखोगे जिन्होंने बनाया है रन, नज़र उनकी तरफ रखना जिन्होंने नहीं बनाया है रन, क्योंकि ये सिर्फ मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहे हैं बल्कि इंडिया टीम में अपनी जगह बनाने के लिए भी खेल रहे हैं। इस पॉइंट को एकदम दिमाग में ले जा करके लॉक कर लो, ताला मार दो, निकलेना। उसी तरीके से बॉलिंग में जब आओगे, और हम बोल रहे हैं कि सेकंड इनिंग में जब यूएई आएगी तो ढह जाएगी मतलब किसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा, इंडिया के बॉलरों के ऊपर। जिन्होंने लिया है डेफिनेटली नज़र रखोगे, लेकिन राहुल चहर जैसा गेंदबाज जिन्होंने नहीं लिया है आप नज़र बना के रखना, और इनके अलावा भी कुछ गेंदबाज है जिन्होंने नहीं लिया है नहीं किया है, नजर रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैच क्या है अलग है। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और 7-4 की टीम पहले बना लेते हैं, ठीक है। सो देखो गाइस, पिछले मैच में हुआ क्या था कि आर सलाम ने 2 विकेट लिया था, ए कंबोज ने 3 विकेट लिया था, और संधू ने भी जो विकेट लिया था वो 2 विकेट लिया था और 6 रन बनाए थे। और यही कारण है कि सिंधु को देखो 83% लोगों ने रखा हुआ है, कंबोज को देखो 79% लोगों ने रखा हुआ है, और आर सलाम को देखो तो 67% लोगों ने रखा हुआ है। और इन तीनों का अगर तुलना आप करो राहुल चहर और वरुण अरोड़ा के साथ, तो परसेंटेज आपको कम मिलेगा इन दोनों का। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों, राहुल चहर और वरुण अरोड़ा, ये दोनों के दोनों विकेट लेस गए थे। लेकिन आपने वरुण अरोड़ा कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से आपने गेंदबाजी देखी होगी कि ये पावर प्ले में जो गेंदबाजी करता है बहुत अच्छी करता है, स्विंग गेंदबाजी अच्छी करता है, चाहे वो राइट हैंडर हो या लेफ्ट हैंडर हो, दोनों के लिए करता है, और पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करता है वरुण अरोड़ा। इस बात का ख्याल रखना गाइस, ये पावर प्ले में भी फेंकेगा वरुण अरोड़ा और डेथ में भी जाकर फेंकेगा वरुण अरोड़ा, ध्यान रखना। हालांकि कंबोज को हम लोगों ने देखा वहां पे, 3 विकेट कंबोज तो लेकर के गए थे, लेकिन इसके बावजूद कहा जा सकता है कि कंबोज की गेंदबाजी उतना नहीं इफेक्टिव लग रही थी, सही टप्पे पे गेंद नहीं पड़ाता। हालांकि 3 विकेट लेके गए, लेकिन सही टप्पे पे गेंद जो होता है वो नहीं पड़ रही थी इनकी, बहुत नहीं खास मुझे लगे, इंप्रेसिव नहीं लगे। हालांकि यूएई के खिलाफ फिर से हो सकता है विकेट ले ले, लेकिन मुझे बड़ी टीम के खिलाफ बहुत इंप्रेसिव नहीं लगे, पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट भले लेके गए थे। तो ऐसे में राहुल चहर और वरुण अरोड़ा के ऊपर आपको नजर बना के डेफिनेटली रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपको क्या है ट्रंप प्लेयर के तौर पे दिख रहे हैं। अब अभिषेक शर्मा का परसेंटेज हाई है, यहाँ से देखो इंडिया की तरफ देख लो, अभिषेक शर्मा, प्रभु सिमरन सिंह, तिलक वर्मा, वाधेरा, ये चारों का चारा देखो क्या है, चारों का पॉइंट क्या है, परसेंटेज काफ़ी हाई है। क्यों? क्योंकि इसने 66 पॉइंट दिया, इसने 59 पॉइंट दिया, इसने 58 पॉइंट दिया, और इसने 49 पॉइंट दिया था पिछले मैच में। अभिषेक शर्मा को देखो तो अब तो 3 ओवर गेंदबाजी भी की है भाई, एक तो इन्होंने मारा 35 रन प्लस 3 ओवर गेंदबाजी भी, और वही तिलक वर्मा का भी सीन है कि 44 रन मारा और कैप्टनसी कर रहे हैं, और इन्होंने 44 रन बनाया और ओवर भी ये 3 करके गए थे। प्रभु सिमरन सिंह तो विकेट कीपर है, इनको लेकर के चलना बनता है, बिल्कुल लेकर चलना बनता है, लेकिन 3-3 ओवर की गेंदबाजी कौन कौन दे दिया, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा। लेकिन कब हुआ था पता है कब, जब राहुल चहर ने मात्र 1 ओवर फेंका था और 3 ओवर इनके कट गए थे, तब इनका काट के ये लोग ले गए। लेकिन जब ये 4 फेंकेंगे ना तो इनके कट जाएंगे वापस से, ये नहीं करेंगे। हालांकि ये तो सब तैयारी कर रहे हैं भाई, क्योंकि गौतम गंभीर का जो चल रहा है ना वो यही सीन चल रहा है कि तू बल्लेबाजी मत कर भाई, तू गेंदबाजी भी कर तब तुझे टीम में जगह मिलेगी, ऐसा ही कुछ चल रहा है। वरना सिर्फ रोहित शर्मा विराट कोहली हो तभी आपको जगह मिलने पाएगी, वरना ना मिलने पाएगी, ऐसा वाला सीन चल रहा है। खैर यहाँ पे देखा जाए तो एन वाधेरा जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, मुंबई इंडियंस में खेलते, याद होगा आपको पिछले मैच में 25 रन मारा था, तो अच्छा पिक है, बिल्कुल अच्छा पिक। और यूई के खिलाफ मैच हो रहा है ना, तो देखो बहुत ज़्यादा नीचे तक मत जाना, पहले बैटिंग इंडिया अगर करती है बहुत नीचे तक नहीं जाएगा, और ऐसे में ये दोनों आपके कहीं ना कहीं बहुत बड़े ट्रंप प्लेयर बन जाएंगे, डेफिनेटली बहुत बड़े ट्रंप प्लेयर बनेंगे। एन वाधेरा, ए बादोनी और आर सिंह, ये 3 डेफिनेटली बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे। अगर परसेंटेज के हिसाब से हम जाएँ, परसेंटेज के हिसाब से जाया जाए तो यहाँ देखो वाधेरा को तो ठीक है ट्रंप नहीं बोल सकते, क्योंकि वाइस कैप्टन ट्रंप के तौर पे बोल सकते हैं, लेकिन प्लेयर को ट्रंप नहीं बोल सकते क्योंकि 70% करीब लोगों ने रखा हुआ है, लेकिन वाइस कैप्टन ट्रंप के तौर पे वाधेरा को बोल सकते हैं, ठीक है। अब वाधेरा को देखो यहाँ पे, और यहाँ पे आयुष भदौरी देखो, और यहाँ पे आर सिंह को देखो, रमनदीप सिंह को देखो। हालांकि रमनदीप सिंह बहुत 6वें नंबर पर आ रहे हैं, बल्लेबाजी मिलना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इंडिया अगर पहले बैटिंग करेगी तो ऊपर ही खेल जाएगी, लेकिन लेट सपोज मारने पीटने पे अगर कुछ ऐसा हो जाता है या तेज शुरुआत करने में ऊपर से विकेट अगर गिर जाता है, तब जाके रमनदीप सिंह को, मतलब एक टीम जिसमें मैं यही मानूंगा कि शुरुआत के जो 5 बल्लेबाज हैं इनमें से 2 बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाएंगे, तब रमनदीप सिंह को उस टीम में मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली टीम में रखूंगा। समझ में आई? 2 या 3 को अगर मान लो यार, अगर कोई जल्दी लड़खड़ा जाए या मारने के चक्कर में आउट हो जाए, मतलब गेंदबाज आउट नहीं किया, आउट हो गया बल्लेबाज, तब जाके रमनदीप सिंह को रखूंगा। वरना आयुष बदोनी और एन वाधेरा मुझे कहीं ना कहीं आज के मैच के ट्रंप कार्ड वाइस कैप्टन लग रहा है, अगर 1-2 विकेट ऊपर से गिरा तो, ठीक है। ऐसे में सिलेक्शन आप किसी को करके जाओगे, देखो अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और किसी एक को रख लोगे बढ़िया रहेगा, दोनों को रखोगे तो फिर वही बात होगा, इसको रख लो। अगर आपको हाई परसेंटेज टीम रखना है तो आप तो बस चुपचाप ऐसे भरते चले जाओगे ना, ये देखो चुपचाप से भरते चले जाओ, कितने हो गए इंडिया से 7 हो गए ना, देखो
इंडिया से सात हो गए और बस जिन्होंने किया है सात प्लेयर इन्होंने सबसे ज़बरदस्त किया है। सारों का प्रतिशत सातों का प्रतिशत क्या काफ़ी हाई है। इन दोनों ने बैटिंग से नहीं किया है, इन दोनों से गेंदबाजी से नहीं किया है, तो जनता ने इनको छोड़ दिया। अब क्योंकि सातों ने किया है जनता ने इनको उठा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता यार कि जिन्होंने नहीं किया उसको छोड़ दो, जिन्होंने किया बस को उठा लो। उसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ, उठा लो इसका परसेंटेज, इनका परसेंटेज, अरे रुक जाओ भाई, 2% और एम जावेद तीसरा प्लेयर है ना, तीसरा प्लेयर यहाँ से एम जावेद क्यों सेलेक्ट हो रहा है, तीन प्लेयर नहीं ये एम जावेद तीन प्लेयर और चौथा एक 23, 26, 24, 3 यहाँ 37% है यहाँ पे राहुल चेयर, मतलब तीन इधर से उठाया गया है, सात इधर से ज़्यादा उठाया जा रहा है, ज़्यादा हाई परसेंटेज वाले यही प्लेयर हैं। और देखो यही टीम फिलहाल है, 7-3 की 10 प्लेयर जो देखोगे वो यही प्लेयर है जिनका प्रतिशत क्या है सबसे ज़्यादा हाई है, और इसमें राहुल चेयर को भी आप ऐड कर सकते हो ना। लेकिन इंडिया के अगर 11 में देखोगे तो राहुल चेयर को लोगों ने रिजेक्ट किया है, ज़्यादा परसेंटेज यही सात का इंडिया का है और उनका ये तीन का है, ठीक है, यही 7-3-10 के कॉम्बिनेशन से जो लोग जा रहे हैं। 10 प्लेयर की अगर बात करो तो ये कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यार कि ये जो ऊपर है ना एम राजेश टी सूरी ये सब नहीं कर सकते। आपको टीम को कॉम्बिनेशन बनाना सीखना पड़ेगा कि टीम की कॉम्बिनेशन कैसे बनानी है। आपको ये सीखना होगा कि अगर आप 7-4 बना रहे हो तो जिन्होंने पिछले मैच में किया है उन्हीं 4 को आप नहीं उठाओगे, उन्हीं 3 को आप नहीं उठाओगे, आपको ऊपर की तरफ भी नज़र रखनी पड़ेगी। और अगर आप मान लो कि इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है तो मारो पिटो करके अगर आउट भी हो जाते हैं तो आपको गेंदबाजों को भी एक एक्स्ट्रा यहाँ से बढ़ा लेना चाहिए, जो कि खराब नहीं रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ टीम की कॉम्बिनेशन की, टीम की कॉम्बिनेशन आप कैसे बनाओगे वो मैं आपको टीम डैक दिखा देता हूँ, ठीक है। सो गाइस 7-4 की ये पहली टीम देखो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये बसील हमीद को मैंने रखाया हुआ है, एम जावेद को उठाया हुआ है, एम एफ मोमान को उठाया हुआ है और एस हैदर विकेट कीपर जो है उनको भी उठाया हुआ है, क्योंकि विकेट कीपर को अगर आप देखोगे तो पिछले मैच में उन्होंने पॉइंट दिया था, बिल्कुल पॉइंट दिया था, आप देख सकते हो गाइस यहां से 71 पॉइंट दिया था इन्होंने और मैच विनिंग पारी इन्होंने खेली थी, शायद टीम के ये कैप्टन भी हैं। फिर आप यहां से देख सकते हो कि एफ मोहम्मद को मैंने उठाया जिन्होंने 87 पॉइंट दिया था, एम जावेद को उठाया जिसने 111 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए थे, और चौथा प्लेयर जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बसिल को उठाया हुआ है। अब बसिल को क्यों उठाया हुआ है उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये कि इन्होंने बसिल या फिर नीलेश, इसको मैं हटाते हैं हम नीलेश को करते हैं ना, ये नीलेश अब क्यों 66 पॉइंट पिछले मैच में इन्होंने दिया था, 19 रन बनाए थे और एक विकेट भी लिया था, तो एक तो गेंदबाजी भी प्लस बल्लेबाजी से दोनों से जगह से ये क्या कर रहे हैं पॉइंट दे रहे हैं, कौन एन केशवानी, तो एन केशवानी को मैंने टीम में रखा हुआ है, ठीक है। अब एक और लॉजिक समझना, एन केशवानी देखो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी, मैंने इनकी गेंदबाजी भी देखा था मैच में जाकर के, अच्छी गेंदबाजी करते थे, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो गेंदबाज होता है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होता है। तो देखो 7-4 की टीम रखोगे तो हैदर 20 से बल्लेबाजी, एन केशवानी जो कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी गेंदबाजी मतलब ठीक ही है, बल्लेबाजी तो बहुत नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक है क्योंकि विकेट इनके गिरने वाले, तो मैं मान सकता हूँ विकेट गिर भी सकेगा, तो ऑलराउंडर यहाँ से दूसरा उठाया हुआ है और दो यहाँ से मैंने उठाया हुआ है क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि इंडिया अगर मारेगी भी तो भी आउट होगी, मारेगी तो भी आउट होगी, तो हो सकता है ये दोनों को उठा लूँ और या तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा कि इन दोनों में से एक को ड्रॉप करते हुए, ज़बरदस्ती एक को ड्रॉप करते हुए मैं कहाँ जाऊँगा टी सूरी के पास जाऊँगा, टी सूरी या एम राजेश दोनों में से किसी एक के साथ जाऊँगा। फिलहाल ये कॉम्बिनेशन आप देख लो गाइस, ठीक है ये देख लो। अब आप देख रहे होगे कि चारों तो आपने समझा दिया है ना यूएई का, लेकिन इंडिया के जो सात रखे हैं, इंडिया के जो सात रखे 1, 2, 3 और ये 4, ये देखो ये टॉप ऑर्डर है ना टॉप ऑर्डर। अब आप देख रहे हो चारों के चारों को मैंने टॉप ऑर्डर रखा, ये तो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वालों को रखना होता है, वरुण अरोड़ा का ट्रंप प्लेयर के तौर पर रख रहा हूँ और आर सलाम और ये क्या है वो जो दूसरा प्लेयर था ना भाई जिसने मैंने बोला 3 विकेट लिया है, क्या नाम है उसका 11 में भाई अंशुल कंबोज, दोनों में से एक को रखूंगा, अंशुल कंबोज और आर सलाम में से किसी एक को रखूंगा। अगर आपको सेफ खेलना होगा तो अंशुल कंबोज और आर सलाम को रख लेना, मत ड्रॉप करना, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको रिस्क खेलना है और ग्रैंड लीग अगर जीतना है तो दोनों में से एक को रखो। और यहाँ पे मैंने वरुण अरोड़ा की जगह यहाँ पे बना दी है। अब आप देखोगे एक चीज़ यहाँ पे कि चार ओवर यहाँ मिल गया, ठीक है, और अभिषेक शर्मा तिलक वर्मा का भी यहाँ मिल जा रहा था। पहले 7-4 की कॉम्बिनेशन तो ये हो गई देख लो, जिसमें आपको दिख रहा होगा ट्रंप प्लेयर भी दिख रहे होंगे, वरुण अरोड़ा दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ समझना, एक बात और कि ये चारों के चारों को रखना 1, 2, 3, 4 मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है एक तो हटाना पड़ेगा, एक चार में से फ्लॉप होगा, तो ये टॉप ऑर्डर जो दिख रहा है इसमें से एक को हटा देना, एक फ्लॉप होगा, और ऐसे में आपको डालना पड़ेगा आयुष बदोनी को और आपको डालना पड़ेगा राहुल चहर। मैं इस टीम में जगह बनाना चाहता हूँ आयुष बदोनी की और राहुल चहर की, अब कैसे बनेगी मुझे नहीं पता, बट मुझे जगह बनानी है राहुल चेहर की और आयुष बदोनी की, अगर नहीं राहुल चेहर की तो आयुष बदोनी की, तो जगह मैं डेफिनेटली बल्लेबाजी से बनाना चाहूँगा। ऐसे में मुझे लगता है ऊपर से कोई ना कोई फ्लॉप होगा, गेंदबाजी से ये भी विकेट नहीं, गेंदबाजी से ये भी विकेट नहीं, बल्लेबाजी पड़ी हुई है तो एक को हटाना पड़ेगा।
अगर मैं निहाल वाधेरा को भी हटाता हूँ तो आयुष बदनी को मैं यहाँ से डाल सकता हूँ, क्योंकि मान लो अगर गेंदबाजी तीन तीन ओवर कर ही रहे हैं सब, क्या पता फिर कर ही दे भाई, इंडिया का क्या है कर ही सकते हैं, जो गौतम गंभीर एरा चल रहा है उस हिसाब से मैं डालूंगा यहाँ पे कौन, आयुष बदनी को। और अगर यहाँ से दो विकेट मैं गिरवाता हूँ कि लेट सपोज मैं तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा दोनों में से दो विकेट गिरवा देता हूँ, लेट सपोज वाली बात बता रहा हूँ, तो ऐसे में ये आयुष बदनी निहाल वाधेरा खेलेंगे, और ऐसे में ट्रंप वाइस कैप्टन जो बन जाएगा, अरे यार ट्रंप वाइस कैप्टन जो बन जाएगा वो इन दोनों में से बनेगा। अगर दो विकेट गिरेगा इंडिया का तो इन दोनों में से एक क्या बन जाएगा, वीसी बन जाएगा ट्रंप वाला, ठीक। बट अगर इंडिया का दो विकेट नहीं गिरता है गाइस, है ना, इंडिया के दो विकेट नहीं गिरते हैं, यहाँ से निहाल वाधेरा को हटाओ, तिलक वर्मा अगर यहाँ पे होता है, प्रीव्यू करते हैं, अगर ऐसा होता है कि विकेट नहीं गिरता और इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तब अभिषेक शर्मा और आपका तिलक वर्मा इन दोनों में से आपका कैप्टन की दावेदारी अच्छी है, कैप्टन या वाइस कैप्टन की दावेदारी क्या है यहाँ पे अच्छी है। और इसी टीम में अगर आपको छुप के खेलना है वाइस कैप्टन के लिए तो मुझे लगता है कि ये देखो वाइस कैप्टन तो ज़्यादा है इनका, आप प्रभु सिमरन सिंह के ऊपर कैप्टन का दाव खेल सकते हो, रिस्क है ये, कैप्टन का आप रिस्क ले सकते हो यहाँ पे, वाइस कैप्टन नहीं, क्योंकि वाइस कैप्टन बहुत ज़्यादा है, रिस्क ले सकते हो कैप्टन का, है ना, ले सकते हो वाइस कैप्टन का भी ले सकते हो, लेकिन रिस्क होगा ध्यान देना। अगर विकेट नहीं गिरेगा तो आप इन दोनों पे करना ये वाली टीम में, और अगर आप मान रहे हो कि विकेट नहीं गिरेगा, जो कि मैं मान रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि विकेट यहाँ पे कोलैप्स हो, डेफिनेटली गिर सकते हैं, ऐसे में निहाल वाधेरा और आयुष बदोनी में से कोई एक ट्रंप आपका वाइस कैप्टन बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा आपका ट्रंप वाला, भयंकर वाला। तो एक तो ये हो गई 7-4 की टीम गाइस, ठीक है, 7-4 की टीम बन गई। और हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम क्या और चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी कि आप नहीं सेफ खेलना होगा तो आप चुपचाप से कंबोज के पास चले जाना, मत करना रिस्क, अगर नहीं लेना होगा दोनों को ही रख देना आपके लिए सही रहेगा, ठीक है, अगर रिस्क नहीं लेना होगा, लेकिन रिस्क लेना है तो आप दोनों में से एक को ड्रॉप करो, है ना, एक को आप ड्रॉप करो, और ऐसे में आप वरुण अरोड़ा को यहाँ पर टीम में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये रही 7-4 की टीम, ओके, दो तरीके से मैंने 7-4 की बनाकर दिखा दी ना। अब इसमें एक और काम किया जा सकता है कि आप देखो यहाँ पे अभिषेक शर्मा भी यहाँ पे मिल रहे हैं, और नहीं अगर इसमें मान लो तिलक वर्मा फ्लॉप हुए है ये वाली, इसमें तेज गेंदबाज कौन कौन है, कंबोज है, अरोड़ा है, संधु स्पिनर, या तिलक वर्मा को डाला जा सकता है, स्पिन के खिलाफ यूई ढह सकती है, मुझे लग रहा है स्पिन के खिलाफ ढह सकती है, यूई स्पिन उतना अच्छा शायद ना खेल पाए, ऐसे में नहीं आपको वरुण अरोड़ा पे करना होगा कि नहीं वरुण अरोड़ा नहीं, तो राहुल चहर को भी आप ट्राई कर सकते हो ये वाली, क्योंकि ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा रिस्क मैंने ले लिया है, ये देख रहा हूँ यहाँ भी रिस्क ले लिया है मैंने, और फिर राहुल चहर और क्या नाम है इसका वरुण अरोड़ा दोनों को रखना सही नहीं रहेगा, 1-2-3 ये वाला सही है, 3-8-3 के साथ सही है। चलो 7-4 वाली होगी टीम ना, ये 7-4 की लॉक कर लो, राइट गाइस लॉक हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं इसमें और भी चेंजेस करते हैं, चेंजेस क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप देखोगे यहाँ मैंने बताया ना कि दो बल्लेबाज, ये जो दो बल्लेबाज हैं कहीं ना कहीं कारगर हैं, ऐसा हैदर को रखेंगे, लेकिन ये दो बल्लेबाज ऊपर में कारगर हमको दिख रहे हैं और इन दोनों को मुझे एडजस्ट करना है टीम में। ऐसे में एफ मोहम्मद या फिर एफ मोमांड और एम जावेद में से किसी एक को हम हटाएंगे यार, तो मोमांड या जावेद को हटाएं, मैं चेक कर लेता हूँ। एम डी जावेद 3 विकेट, वो भी 3 विकेट, एक लेग स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, स्पिनर तो बड़ा मार खाएंगे, इंडिया वाले मारते हैं स्पिनर को बहुत मारते हैं, और ये जो यंग लड़के और मारते हैं तो एम डी जावेदुल्ला को हटाते हैं, बड़ा रिस्की है भाई, लेकिन क्या करें करना पड़ेगा। और इन दोनों में से किसी एक को रखो इन दोनों में किसी एक को, एक राइट हैंडर बल्लेबाज है, दोनों राइट हैंडर बल्लेबाज हैं, दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, एक ने 16 मारा एक ने 47 मारा, चलो 47 वाले को उठाते हैं और ये वाली टीम एक बनती है, ठीक है, देख रहे हो ये वाली टीम, ये वाली टीम 3 विकेटकीपर, 2 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर और 3 वो क्या बोलते हैं गेंदबाज, ये वाली, ठीक है गाइस ये वाली कर सकते हो, राइट। चलो 7-4 की एक टीम ये बन गई, अब क्या करना है कि हमको अब 8-3 वाली बनानी है, 7-4 वाली हो गई, 7-4 की 2-3 मैंने बना दी, 8-3 की बनानी है, 8-3 की क्या करो, एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, वही टी सूरी या फिर ऊपर से एक को हटाओ, टी सूरी या हैदर एक को हटाओ, टी सूरी या हैदर किसी एक को हटाना पड़ेगा, है ना, ऊपर से मुझे लग रहा है विकेट कोई तो कोई तेज खेल जाएगा, खेल सकता है तेज, एक को हटाना पड़ेगा ना, दोनों में से एक को हटाओ, एक को हटाओ दोनों में से, जिसको हटाओ आप, और यहाँ से आप एक को एक्स्ट्रा जो डालोगे मैं बताता हूँ क्या करोगे, तिलक वर्मा को एडजस्ट करो, ये वाली टीम देखो, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, वाधेरा, प्रभु सिमरन सिंह, फिर चारों बल्लेबाज आ गए यार, फिर चारों बल्लेबाज मुझे दिख रहे हैं। चलो एक टीम में चारों बल्लेबाज को ही रख लो, ठीक है, क्या करना, 1-2-3-4, ठीक, फिर आयुष बदोनी को रखने का वहाँ सेंस नहीं बनता है, सेंस बनता है क्या, कोई सेंस बनता ही नहीं है,
ये देखो अब ये देखो टीम वाइज ये वाली, या फिर ऐसा करो राहुल चेयर, ये दो ट्रंप है ना, दो में से एक ट्रंप को रखना, एक ट्रंप को रखना और ये आर सलाम को डाल दो यहाँ पर, ठीक है, एक ही ट्रंप रखना, वरुण अरोड़ा को एक ट्रंप के तौर पर रखो, या फिर आप इनको ऐसा करो राहुल चेयर को रख लो क्योंकि स्पिन यही नहीं खेल पाएगा उतना अच्छा, तो आर राहुल चेयर को यहाँ पर रखो इस बार, आर सलाम तेज के बाद, एक अंबोज तीन के बाद, यहाँ पर स्पिनर और ये आधा स्पिनर, ये भी आधा स्पिनर, ठीक है, ये वाली टीम बेस्ट है, आठ टीम की देख लो, ये भी देख लिया आठ टीम की टीम, राइट गाइस। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करोगे तो हमने शुरू में बता दिया था ना कि अगर रन बन रहा है, रन बन रहा है मतलब कौन, बैट्समैन, और अगर सामने वाली टीम ढह जा रही है तो मतलब बॉलिंग में से एक वाइस कैप्टन आपका, आगे बात समझ, सेफ कौन है आपका, सेफ तो वही जिन्होंने विकेट लिया, आप उधर ही जाओ, लेकिन क्योंकि यूई है परसेंटेज कम है, इनमें से एक को लगा दो, और बल्लेबाजी का मैंने आपको दिखा दिया ना कि बल्लेबाज में से कैप्टन एक, बात समझ में आई गाइस। चलो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली होगी, इसके बावजूद कुछ भी रह जाएगा ना तो आपको पता है कि हमारी एक फैमिली है, हमारी फैमिली कौन सी, ये क्रिकेट वाली हमारी गॉडसन फैमिली है, जहाँ पे सारे लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर आसाम तक, हिंदुस्तान के कोने कोने से शाम को लोग मेरे साथ यूट्यूब के ऊपर लाइव आते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए होगे ना तो आप यहीं पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि जब मैं शाम को लाइव आऊँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत यूट्यूब भेज देगा और आपको पता चल जाएगा कि हम लाइव आए हैं, और एक बार वहाँ पर आकर के आप देखो, देखो वहाँ पर कितनी बातें होती है। मैंने जो कल लाइव किया था आपने देखा कि मैंने सब कुछ बोला कि ठीक है मैं मानने को तैयार हूँ, जैसे बाकी यूट्यूबर कह रहे हैं वो भी, और जैसे आप लोग कह रहे हैं वो भी, कि चलो भाई पिछले दो मैच का रिकॉर्ड ये दिखा रहा है कि जो सेकंड बैटिंग कर रहा है वही जीत रहा है, चेस कर ले रहा है, मैं मानने को आप लोग के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को जो लगता है वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि यहाँ जो पहले बैटिंग करेगा वही जीतेगा, पहले वाले 5-6 विकेट गिरेंगे और दूसरे वाले में टॉस के पत्ते उतर ढह जाएंगे, और वही हुआ। आप भी चाहते हो वहाँ पे आना, देखना, बातें करना, अपनी ओपिनियन, अपनी राय देना, कैप्टन वाइस कैप्टन का सही पेयर मुझसे पूछना और मैं आपका जवाब दूँ, ट्रंप प्लेयर का जानना, सारी चीज़ों को अगर जानना चाहते हो, कॉम्बिनेशन जानना चाहते हो, आ जाना शाम को यूट्यूब पे लाइव, ठीक है। तो चलो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाली, क्योंकि फाइनल टीम वहीं देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, और चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, एंड यस अगर पहली बार आए हो तो आप प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, कोई भी अगर सवाल होगा आप यहीं पर सवाल लिख देना ताकि मैं उसको लिख करके शाम को जब मैं आऊँगा तो आपके सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है। चलो प्यार सपोर्ट सब लोग बनाना, अपना ख्याल रखना, अपने ज़रा अपने माता पिता अपने परिवार अपने बच्चों का ख्याल रखना, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।